Story, I am not that much interested here. Song? Song, I don't remember. Nothing. How many of you are? 3.5 to 4. अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट है, देखा जाता है अक्षय कुमार नहीं है, अर्जुन कपूर है। अक्षय कुमार नहीं है उसमें, फर्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार पहले ही है। अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया था लेकिन उनको बस टाइम नहीं था। हाँ तो नहीं, अच्छा हुआ अर्जुन कपूर ने किया। मतलब अक्षय कुमार काफ़ी मूवीज़ करते हैं, अर्जुन कपूर बहुत कम मूवीज़ करता है। तो और इनकी एक्टिंग केमिस्ट्री किस तरह की लगी? ठीक है, ओके, नॉट बैड। गाने वो लास्ट में एक सॉन्ग प्ले किया, वो अच्छा है। हाँ, सजेस्ट करूँगा। डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, जैसे लाइक इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। काफ़ी नया है, मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं मूवी बनी है, तो वन टाइम वॉच डेफिनेटली। 3 स्टार्स दूंगा। यस, फिल्म कैसी लगी? फिल्म अच्छी लगी, वन टाइम वॉच थी। अर्जुन कपूर के लिए मैंने देखी थी एंड ही वॉज रियली वेरी वेरी नाइस इन द मूवी। अर्जुन कपूर, परिणीति वॉज ओके इन द मूवी, द अदर कास्ट वॉज नाइस, द केमिस्ट्री बिटवीन देम वॉज गुड बट नॉट बेटर देन इशक ज़ादे। सो या द सॉन्ग्स वर रियली नाइस, सो दैट्स इट। नमस्ते लंदन से तो कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों काफ़ी अलग थी। बाकी स्टोरी अच्छी थी मूवी, मतलब स्टोरी अच्छा था, अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बाकी कुछ खास न्यू नहीं था, बट इट वॉज नाइस। मैसेज यही था, मैसेज यही है कि मतलब आप वर्क को इतना फोकस करते हैं, लाइफ आप भूल जाते हैं कि आप रिलेशनशिप में, आप रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो बेसिकली इट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप, फैमिली इन लाइफ। सो या आई रियली लाइक अर्जुन कपूर इन द मूवी, सो ही वॉज रियली नाइस। सॉन्ग्स वर रियली नाइस, सॉन्ग्स वर एक्चुअली रियली वेरी नाइस इन द मूवी। 3 out of 5 बिकॉज ऑफ अर्जुन कपूर ओनली। रेडी? डिसअपॉइंटिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। स्पेशली आई थिंक परिणीति बीइंग अ वेरी गुड एक्टर, उसे ऐसी फिल्म की चॉइस नहीं करनी चाहिए। फिल्म की स्टोरी भी उतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं थी। आई थिंक प्रोडक्शन हाउस को और बाकी सबको इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे इतनी पुअर स्टोरी पर। केमिस्ट्री ठीक है, बिकॉज अर्जुन कपूर एंड परिणीति चोपड़ा, एज वी नो, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनका वो केमिस्ट्री दिख कर आता है स्क्रीन पर। बट स्टोरी में अगर कोई दम नहीं है तो आई थिंक एक्टर्स की केमिस्ट्री और उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। एक्टिंग वाइज परिणीति वो इज़ गुड, बट उसका जो कैरेक्टर था इट वॉज़ वेरी नॉट एट ऑल एडोरेबल। और अर्जुन कपूर ठीक ठाक थे। सॉन्ग्स एक ही सॉन्ग था फिल्म में तो ठीक था, आई मीन इट वॉज़ नॉट मच ऑफ अ म्यूजिकल फिल्म। नहीं, आई थिंक 0.5 out of 5। नमस्ते इंग्लैंड, ठीक मूवी है, इतना मज़ा नहीं आया। अर्जुन कपूर और प्रणीति चोपड़ा, उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। एक्टिंग वाइज कैसी लगी एक्टिंग? एक्टिंग वाइज नो डाउट अच्छे है, दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। गाने कैसे लगे? गाने ठीक। अच्छा, और अपना स्क्रिप्ट वाइज बोला जाए तो कितनी बांधे रखी मूवी देखने पे मजबूर कर रही थी कि नहीं? बीच बीच में ना मिसिंग हो जाता कुछ तो। हाँ, बाकी ठीक। अच्छा, सब कितना देना चाहेंगे? 5 में से 5 में से 3। थैंक यू।